आज हम बात करेंगे इतिहास को पढ़ने के साथ साथ उसमें समझ कैसे विकसित करना और इतिहास में अच्छे नंबर अच्छे स्कोर कैसे कर पाएंगे, इतिहास को कैसे समझा जाए, कैसे याद किया जाए, क्या लिखा जाए, क्या पढ़ा जाए और क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो। क्योंकि कई लोगों की रुचि इतिहास में नहीं होती, उन्हें ये विषय बोरिंग सा लगता है, लेकिन वास्तव में इतिहास एक मजेदार विषय है जिसे पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर जिज्ञासाएं जगेंगी और आप उन जिज्ञासाओं के साथ अच्छे अंकों का सृजन कर सकते हैं। कई बार इतिहास उन के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने इतिहास विषय पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, या ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक किया है या कॉमर्स से पढ़ा है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो आर्ट स्ट्रीम से आते हैं, कला वर्ग से आते हैं, फिर भी उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा होता, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये विषय भी होता है। लेकिन अब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे हम इतिहास की शुरुआत करें, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। किस विषय को कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि पढ़ना खुद से आखिर मेरी ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है, यह आज वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्राचीन भारत का इतिहास, इतिहास अपने आप में खुद को समेटे हुए पड़ा है। अब इस तरह के सवाल परीक्षा में नहीं आते, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास जन्मदाता कौन रहा, इतिहास की जरूरत किस लिए पड़ी है। अब हम लोग इस उन कंटेंट पर बात करेंगे जहां से परीक्षाओं में क्रमवार रूप से सवाल आते हैं। पहली बात है इतिहास कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले हम इतिहास पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको एक से दो क्लासेज हमारी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपके अंदर स्वयं इतिहास को पढ़ने की जिज्ञासा जम जाएगी, और इसलिए इतिहास की शुरुआत प्रायः लोग पाषाण काल से करते हैं, उसके बाद सिंधु काल, वैदिक काल, महाजनपद 600 BC जिसमें धार्मिक आंदोलन जैन धर्म आते हैं, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इस तरह से एक अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत में इतिहास जब पढ़ने के प्रयास करते हैं तो उसमें सन देखकर हम घबरा जाते हैं, इसलिए अब हम लोग जो इतिहास पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो एक विशेष बात का ख्याल रखेंगे कि हम लोग उन टॉपिकों को पहले पढ़ेंगे जहां से आपकी जिज्ञासाएं आ जाएं और जहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जाएं। इतिहास को पढ़ने के लिए आपके पास सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए, आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं तो लगभग यही आपके सिलेबस हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपको पढ़ना है, जिसमें प्रमुख रूप से है आपका पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद 600 BC, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, मानी ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के इर्द गिर्द इन्हीं को पढ़ना है। फिर भी आप अपना सिलेबस अपने सामने रख लें, उस सिलेबस में आने वाले हर टॉपिक को नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम पढ़ना शुरू करें कहां तक पैर पसारना है वो चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरी बात इसमें आती है कि जैसे अगर हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्नों की संख्या प्रायः कम आती है, और जब यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम होगी और अगर विगत वर्षों के प्रश्नों की बात करें तो ये थोड़ा सा शुरुआत पढ़ने में कहीं ना कहीं बोरियत महसूस होती है। जो नए अभ्यर्थी इतिहास पढ़ना, इतिहास को जानना चाहते हैं, उनकी शुरुआत पाषाण काल से ना हो, इसलिए इस वीडियो को हम लास्ट में पढ़ेंगे। शुरुआत आपकी पाषाण काल से होनी चाहिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ नए टॉपिक से शुरुआत करें, और यहाँ से हम जो शुरुआत करेंगे आपके लिए सिंधु सभ्यता से। कहाँ शुरुआत करेंगे? सिंधु सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद वैदिक काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल में देखेंगे तो किस तरह से उदय हुआ, महाजनपदों का उत्थान कैसे हुआ। फिर अगर 600 BC के आसपास जो धार्मिक आंदोलन रहे, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों के मत और इन दोनों धर्मों को पढ़ेंगे, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न खूब झोला भर भर के आते हैं। मौर्य काल क्या है, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, क्रमवार से हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है प्राचीन भारत में प्रश्नों की संख्या। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि यार प्राचीन भारत में एशियन हिस्ट्री से प्रश्न बहुत कम आते हैं, इसलिए ज्यादातर अभ्यर्थी इसे स्किप कर देते हैं, वह केवल आधुनिक भारत के इतिहास या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। अगर विगत वर्षों की प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्नों की संख्या कम हुई है, लेकिन कई बार आप देखेंगे अचानक से प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाती है या प्रश्नों की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो जाती है। इसलिए अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता है हर एक नंबर की खुद की अपनी एक महत्व है। ये पूरा जो सीरीज है हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे सिलेबस को, पूरे पैटर्न को खत्म कर दे। हो सकता है वीडियो की संख्या 25 जा सकती है, वीडियो की लंबाई थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह सीरीज में हम अगर इस बात को लेकर आ जाएंगे कि हम प्राचीन इतिहास को स्किप करते हैं,
मध्यकालीन इतिहास को स्किप करते हैं, केवल आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर से, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि हर एक नंबर, हर एक प्रश्नों की अपनी महत्ता होती है जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं, जब आप चयन की बात करते हैं। इसलिए कुछ लोग आपको इस बात के लिए गुमराह करते हैं कि आपको प्राचीन भारत के इतिहास नहीं पढ़ना, यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम आती है। ये कतई सही नहीं है। आपको सभी विषय को फोकस रखना, आपके पास समय है, समय नहीं भी है फिर भी अपने सिलेबस को कवर करना होगा, क्योंकि बिना सिलेबस कवर किए अगर आप युद्ध मैदान में या परीक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो आपके असफल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप भारत के इतिहास को पढ़ना है, प्राचीन भारत के इतिहास को समझना है, और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। वो भी किस लिए, क्यों, वो भी हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसलिए यह बात एकदम छोड़ दीजिएगा कि प्राचीन भारत से प्रश्नों की संख्या कम होती है या कम आती है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। कभी भी प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसलिए यह सीरीज, ये सेशन आपके लिए काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी को कोशिश करनी है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जरूर से पढ़ना है। आगे अगर हम देखें तो आप यहां पर कुछ और चीजें आपको जानने को, समझने को मिलेंगी। पहला, इतिहास की मौलिक समझ। ये मौलिक समझ का मतलब क्या होता है कि अब यहां पर मौलिक समझ को इस तरह समझने का प्रयास करेंगे कि हम इतिहास के बारे में कुछ तो जानते हो। जैसे अगर कोई छोटा सा सवाल पूछ दे, अगर किसी ने कह दिया कि एडी क्या होता है, अब आपको यह पता होना चाहिए एडी क्या होता है। अगर कोई कह दे बीसी क्या होता है, तो आपको एडी और बीसी में अंतर पता होना चाहिए। अगर किसी वंश की बात की जाए, मतलब इतिहास में आपको मौलिक समझ होनी चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज इतिहास का होना चाहिए, और नहीं है तो आपकी इतिहास में दिलचस्पी थोड़ी सी कम होगी। और आपको दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए आपको मौलिक समझ विकसित करनी होगी, माने इतिहास को समझने के लिए समय देना पड़ेगा, तब जाकर आप इतिहास में बेहतर अंक अर्जित कर पाएंगे। शुरुआत में ऐसे अभ्यर्थी जिनकी मौलिक समझ इतिहास में नहीं होती, उन्हें इतिहास बोरिंग सा लगने लगता है, लेकिन जब उसमें समझ विकसित कर लेते हैं वह उन्हें एक मजेदार विषयों में से एक लगने लगता है, और वह इस परीक्षा में इतिहास में बेहतर अंक भी अर्जित करते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ने के लिए आप प्रयास ये कर सकते हैं कि मौलिक समझ के लिए आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। मौलिक समझ के लिए आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी, आप इनमें से किसी एक का अध्ययन कर सकते हैं। उसके लिए आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक की किताबों का चयन कर सकते हैं, जिससे इतिहास की थोड़ी समझ आपके अंदर आ जाएगी, इतिहास को थोड़ा जानने और समझने लगेंगे आप। उसके बाद इसमें आता है कि अब क्या करना है कि अगर आपने अपनी समझ विकसित कर ली, अब अगला चरण आपके लिए क्या है। अगला चरण आपके लिए है कि विगत प्रश्नों के साथ साथ, माने विगत वर्षों में जो आप जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके, उस आयोग के, उस परीक्षा के जो आधार स्तंभ होते हैं उनके इर्द गिर्द पिछले प्रश्नों, माने पिछले परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और अब किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ हमें अपने नए प्रश्नों के आयाम पर बल देना है। मतलब एक बात ध्यान रखना है कि पुराने प्रश्न कैसे पूछे जाते थे। कई बार जब इतिहास को पढ़ लेंगे तो पुराने प्रश्न आपको बड़े सरल लगते हैं, फिर लगता है कि आज की परीक्षाओं में कहां से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यही हमारी जो कमी है, वो गैप है, वह हम इस सेशन या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम उस गैप को भरने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, मैं भी मानता हूं खुद से पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब वही बात यहां पर आती है कि अब पुराने प्रश्नों के साथ साथ पुराने प्रश्नों को हल करना है और नए प्रश्न जो आ रहे हैं उनकी समझ विकसित करना है, और साथ ही साथ आने वाले प्रश्नों के आयाम पर बल देना है कि अब परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे। इसके लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, एक अध्यापक की जरूरत पड़ती है, जो शायद मैं आपकी इस कमी को पूरा कर पाऊं। इसके लिए आप हमसे जुड़ेंगे और इतिहास को पढ़ने का और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब हम ये जान लिए, हम इतिहास में प्रश्नों के टॉपिक को हम पहले प्रीवियस ईयर, फिर जो आज के पिछले 5 सालों में जो प्रश्न हो रहे हैं, और उस दोनों के आधार पर नए आयाम की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रश्नों का ट्रेंड किस आधार पर होगा या वर्तमान में किस आधार पर ट्रेंड चल रहा है। फिर आता है, जैसे अगर बात करें इरायु क्या होता है, मतलब कुछ शब्दावलियां भी आपको ध्यान देनी होगी। अगर आपसे पूछ ले कोई इरायु क्या होता है तो जरा बताइए क्या होगा। तो इरायु एक शब्दावली है, जिरायु क्या है, एक शब्दावली है। मतलब इतिहास में शब्दावलियों को विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप एक छोटी सी डायरी चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो अपने हाथ पर मोबाइल पर लिखकर एक एक दिन में 20 से 25 शब्दावलियों को पूरा कर सकते हैं। कई बार इतिहास में शब्दावलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रायः लोग
गलत कर देते हैं। तो अगर किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके बताएं। इरायु का मतलब क्या होता है? इरायु का मतलब होता है कि जबरदस्ती जबरन उपहार लिया जाए, मतलब जैसे हम बर्थडे या कोई कार्यक्रम घर में रखते हैं तो लोग हमें गिफ्ट दे लेते हैं या गिफ्ट देने के लिए आते हैं, लेकिन ये कह रहा है जबरदस्ती गिफ्ट लेने की जो प्रक्रिया थी, प्रथा थी, उसे हम इरायु कहते थे। एक छोटा सा टॉपिक है आपके सामने, कलम। कलम को सभी जानते हैं, ये एक शब्दावली है। ये सब क्या है? एक शब्दावली है। इस कलम का मतलब क्या होगा बताइए? ये कलम क्या था? ये अनाज के तौल की इकाई थी। ये क्या थी? अगर संगम काल में देखा जाए तो अनाज के तौल की इकाई क्या थी? कलम थी। आज हम उस कलम को कहते हैं जिससे हम लेखनी होता है, लेकिन इस कलम का मतलब था कि उस समय के अनाज के तौलने की इकाई थी। ये घटिका क्या थी? कोई घटिका बता सकता है कि घटिका क्या थी? जो लोग पढ़ रहे हैं जरा बताएं कमेंट करके, ये घटिका क्या थी? आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बताइए घटिका क्या थी। अच्छा, ये मनरम क्या था? मंडलम क्या था? अगर मनरम की बात करें तो ये एक स्थानीय शासन जो होता था, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसे ग्राम कहते हैं, वह उस समय की मनरम थी। माने मनरम एक स्थानीय शासन थी, एक स्थानीय इकाई थी। वहीं मंडलम की बात करें तो मंडलम क्या था? ये राज्य की बात करता है, ये स्टेट की बात करता है, ये प्रांत की बात करता है। वहीं पे घटिका क्या थी? दक्षिण भारत में शिक्षा का केंद्र था, जिसे हम घटिका कहते थे। प्राय सीता क्या है? तो इस तरह के सवाल शब्दावलियों से पूछे जाते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं, कूट वाले शब्दावली आते हैं। तो इस तरह से हम क्रमवार रूप से चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तथ्यों में बने रहें और उलझे नहीं, बल्कि हर दिन आप सुलझें। परीक्षाओं में प्रश्नों का ट्रेंड अगर देखा जाए तो इस तरह से भी आते हैं, कहता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अशोक के शिलालेखों का क्रम बनाइए। शिलालेख के क्रम बनाने के लिए भी आता है, मान इस तरह के प्रश्न के परीक्षाओं में ट्रेंड है। तो इस तरह के प्रश्नों को भी आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मान शब्दावली भी इतिहास से बहुत माने रखती है, और साथ ही साथ अब यहां से समझ में आ गया कि आपको मानचित्र का भी ज्ञान होना जरूरी है। और इसके लिए आप अगर भूगोल को किस तरह से इतिहास से जोड़ पाते हैं, वह आपके लिए एक कहीं ना कहीं सेतु का काम करेगा। अगर आप भूगोल में मानचित्र को पढ़ेंगे तब कहीं जाकर इतिहास में से जोड़ना समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। वैसे मानचित्र की अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल का 40% अगर तथ्यों को देखा जाए तो मानचित्र के आधार पर होती है। इसलिए भूगोल सेशन में मानचित्र भी आपके लिए जरूरी होती है। इसलिए जब भी हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे तो मानचित्र को भी लेकर हम काफी सीरियस रहते हैं, और हम मानचित्र की सीरीज को भी हम अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम भूगोल में ज्यादातर हम मानचित्र के अध्याय को ही फोकस कर उसके बाद हम थियरी की तरफ बढ़ेंगे। तो मतलब यहाँ पर भूगोल का इतिहास के साथ संबंध भी स्थापित करना होगा, और कई बार इस तरह से जोड़कर सवाल पूछ सकता है। तो इस तरह के सवाल आपके सामने आपके जहन में आएंगे, मिलेंगे, और आपको देखना भी पड़ेगा। अब हम चलते हैं एक नए तरक्ति। तो ये रणनीति होती है, किस रणनीति के तहत हमें आपको समझना है, किस रणनीति के तहत हम इतिहास को आगे बढ़ाना है। तो हमने देखा कि पहले तो इतिहास की मौलिक समझ विकसित करने के लिए हम 6-7-8 के एनसीईआरटी या एससीईआरटी फोकस कर सकते हैं, वह जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी आपको यहाँ पे दिखा दिया, जैसे मैंने ऊपर क्या किया एग्जांपल के माध्यम से बताने और समझाने का प्रयास किया था। फिर विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ साथ हम हल करना है, और नए तरह के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, और उसके आधार पर आने वाले प्रश्नों की अपने दिमाग के माध्यम से अपने सोच से उनकी भी आयाम बनाना है। शब्दावलियों पर भी फोकस रखना है, मानचित्र को भी जोड़कर रखना है। अब हम और आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि इतिहास के लिए एनसीईआरटी का प्रभाव क्या क्या है। अब सवाल आता है कि सर हमें किताबें पढ़नी होगी, हमें इतिहास के लिए कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए सभी इतिहास की जो किताबें होती हैं सभी किताबें अपने आप में बेहतर होती हैं। लेकिन सवाल आता है कि सर हम किस किताब को पढ़ें या कौन सी किताब हमें पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं आपको खुद से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करिएगा। एनसीईआरटी भी आपके सामने तीन तरह की एनसीईआरटी आती है, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी। तो अब यहां पर देखिए, वैसे आम बोलचाल की भाषा में ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी ही हमारे सामने आती है। अब अगर हम आपसे कहें कि पहले ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर अपडेटेड एनसीईआरटी पढ़नी है, तो कहेंगे सर मेरा पूरा समय एनसीईआरटी पढ़ने में चला जाएगा, मैं अन्य विषय को कब पढ़ूंगा या मेरा इतिहास कब पूरा होगा। तो सबसे पहला इसके लिए
ही मेरी जरूरत पड़ती, वैसे आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, लेकिन इन कड़ी को जोड़ने के लिए ही आपको दुर्गेश सर या इलर्निंग विद दुर्गेश जरूरत पड़ती है। इलर्निंग विद दुर्गेश का धन्यवाद, जिसके माध्यम से मैं अपनी कक्षाएं अपनी क्लासेज आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देश हित में राष्ट्र हित में मेरी निःशुल्क शिक्षाएं आप तक पहुंचेंगी। तो हमने देखा इसके लिए आप इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी ले सकते हैं, जो नोट्स आपको शायद इसमें काफी मदद कर पाए, क्योंकि समय बचाने के लिए ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ताकि तथ्य को पढ़ सके और उसमें तुलना कर सके। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में तुलना करना आपके लिए जरूरी है, कि कौन कौन से टॉपिक ओल्ड में है कौन से न्यू में है, दोनों में अगर जो सेम है उसको अलग पढ़ना और जो बचेगा अपने आप अलग कर लेना, फिर एनसीईआरटी की समझ विकसित करना, फिर उसका अध्ययन करना, इन सब के लिए अगर टेढ़ी खीर होगी इलर्निंग विद दुर्गेश पर इसके नोट्स उपलब्ध हैं। आप चाहे तो घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, आप उसे यहाँ पर लिख कर या इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, और इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप एनसीईआरटी के सभी नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम उपलब्ध है, वहां से प्राप्त कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एनसीईआरटी का प्रभाव क्या होता है, उसके बाद आप मार्केट में जो भी किताबें आती हैं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी किताबें नहीं, कौन से आपके लिए उपयोगी, क्योंकि अब आपकी मौलिक समझ विकसित हो चुकी है, अब इतिहास को आपने जानना पढ़ना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए कई बार आता है कि सर हम कैसे मान लें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में भी कुछ अंतर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की जाने वाली कौन सी वस्तुएं थी, तो ये आपको न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एक और सवाल है कि कौन सी कारीगरी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, तो यह भी सवाल जो है यह आपको भी न्यू एनसीईआरटी में मिलेगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें अब न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया, केवल ओल्ड एनसीईआरटी मिलेंगी। इसलिए मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आपके लिए ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों आपके लिए जरूरी हैं, ये सेशन भी आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए ही आपको मेरी जरूरत पड़ती है, अन्यथा आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, और फिर भी मेरे साथ जुड़ने के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी ही करना होगा, क्योंकि यही दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टडी मानी जाती है। आगे मैं बात करूं किस टॉपिक को कितना और क्यों पढ़ना है, इसके लिए भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है, और किस टॉपिक पर अपना ज्यादा समय देना है, किस टॉपिक पर अपना कम समय देना है, क्योंकि इतिहास अपने आप में स्वयं इतिहास है, लेकिन उस इतिहास से जो सुलझ कर निकल जाएगा वही आज का अभिमन्यु होगा, और आज के अभिमन्यु बनने के लिए आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि आपको किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, एनसीईआरटी के साथ साथ और किस नोट्स पर आपको काम करना है। नोट्स पढ़ने के बाद परीक्षा जब नजदीक आ जाएगी तब हमें शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत पड़ती है, वो क्यों पड़ती है, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और ध्यान देने का प्रयास करेंगे। फिर अधिक बल किस पर देना, मैंने किस टॉपिक पर ज्यादा बल देना है, ज्यादा बल देने के मतलब जैसे 600 BC अगर हम बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यहां से प्राय परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ से जैन और बौद्ध से प्रश्न आते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं पाषाण काल की बात करूं तो प्राय आप देखेंगे कि पाषाण काल से परीक्षाओं में कम सवाल पूछे जा रहे हैं का आजकल का ट्रेंड है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो पाषाण काल से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल से भी पूछे जाते हैं, कहीं से शासक पूछे जाते हैं, कहीं शब्दावली पूछी जाती है, कहीं किस संस्कृति स्थापत्य कला पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनमें से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कम महत्वपूर्ण है, ये हम लोग जब क्लास सेशन पढ़ेंगे, जब क्लासेस पढ़ेंगे तब वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो यहां पर आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया, अब हम और आगे चलते हैं अन्य तथ्यों की तरफ, इतिहास की समझ को और कैसे बेहतर किया जाए। अब आता है आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन। अब इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी होता है, बिना तुलनात्मक अध्ययन के आप इतिहास को समझ तो विकसित कर पाएंगे लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। परीक्षा हाल से जब बाहर निकलेंगे तब आपको लगेगा सर ये तो मुझे नया सवाल मिला, इसको मैंने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए आपको तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब ये पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक काल में क्या दो समानताएं थी, या उनकी संस्कृति में क्या समानताएं थी, या उनके स्थापत्य कला में क्या समानताएं थी, क्या समानताएं नहीं थी, या उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में क्या महत्वपूर्ण समानताएं आपके नजर आती हैं। खासकर ये रिटर्न एग्जाम अगर आपका हो या एमसीक्यू मेथड पर हो, क्योंकि अब के जो प्रश्न है वो कूट वाले सवाल हैं, तो कूट वाले सवालों को हम कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में रखते हैं कि इस तरह के जो सवाल हैं वो आपके थियरी बेस्ड है। इसलिए थियरी जब पढ़ रहे हैं तो इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी है। कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूछ देगा कि
हम लॉर्ड क्लाइव से तुलना करने के लिए, या यह कह देगा कि यदि छोटा सवाल है औरंगजेब की जगह दारा सिंह को भारत का शासक होता तो आज भारत की स्थिति क्या होती। बहुत बहुतेरे सवाल है तो मैंने एग्जांपल के माध्यम समझाने का प्रयास किया कि आपको इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन भी करना जरूरी है। हो सकता है उसके लिए आपको मेरी जरूरत पड़े, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ते हैं प्रश्नों को तो यहां पर चीजें समझ में आने लगती हैं। अब देखते हैं इसमें तुलना करने के लिए क्या क्या चीजें तुलनात्मक में। संस्कृति, प्रायः संस्कृति जो होती है इतिहास की वो तुलना करने के लिए आती, इतिहास की संस्कृति को कौन सी ज्यादा आती कौन सी कम, हम लोग जब क्लास सेशन शुरू करेंगे इतिहास सीरीज तब वहां पर उन चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभ्यताएं, सभ्यताओं में भी प्रायः जो सभ्यताएं हैं उसमें भी प्रायः तुलनात्मक प्रश्न आते हैं और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी है, खासकर रिटर्न एग्जाम के लिए जहां पर डिस्क्रिप्टिव है और जहां ऑब्जेक्टिव है दोनों परीक्षाओं, क्योंकि जो सेशन है ये डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि हमारी और आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी होने वाली है। उसके बाद साहित्य का, साहित्य की भी इतिहास में बड़ी भूमिका है, खासकर जब प्राचीन इतिहास की बात करते हैं इसकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। अब साहित्य की भी कहीं ना कहीं एक महत्व है, क्योंकि कहीं जब हम इतिहास समझने का प्रयास करते हैं इतिहास के साक्ष्यों में भी साहित्य का अध्ययन करते हैं, इसलिए साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। लेकिन जब हम इतना अध्ययन कर लेंगे तुलना करना आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह जो है आज के प्रश्नों के ट्रेंड के आधार पर है। फिर कला, कला हो गया, व्यापार हो गया, धर्म हो गया, आदि के तथ्यों को पढ़ना है, इन टॉपिकों को समझना है, इनका तुलनात्मक अध्ययन भी सीखना है। माने हमने ये देखा कि इतिहास में आपको किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत पड़ती है। फिर इतिहास का करंट अफेयर, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इतिहास में करंट अफेयर कहाँ आता है, ये तो लगता है सर जी पगला गए हैं क्या, इतिहास में कब से करंट अफेयर आने लगा। जी हाँ, इतिहास में भी करंट आते हैं, जैसे किसी जगह अभी हाल में देखा होगा जैसे किसी टॉपिक पर प्रधानमंत्री जी चर्चा कर लें, जैसे धौलावीरा हो गया, या कुछ दिन पहले आपने देखा होगा याद होगा लक्षद्वीप को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जैसे कुर्सी लगा दी लक्षद्वीप पर लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं वो भूगोल था। तो इतिहास जो चर्चा में हो ऐसे स्थल, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष या उनका ऐसा कोई संबंध जिसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक धरोहर से हो तो वह भी प्राय परीक्षाओं में सवाल के रूप में आते हैं, खासकर इंटरव्यू में भी इनके सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप करंट घटनाओं में जिसका जिक्र हो उसको भी अपने साथ साथ लेकर चलेगा, क्योंकि इतिहास करंट के साथ जुड़ा होता है परीक्षाओं में, तब आपको लगता है काश मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया होता। हो सकता है कई बार प्राचीन इतिहास से पूरा पढ़ लिया वहां से सवाल ना आए, लेकिन कई बार क्या हो गया आपने जो चर्चा हुई थी सवाल की जिन करंट के जो टॉपिक थे इतिहास से जुड़े हुए उन तथ्यों को पढ़कर गए, वहीं से परीक्षा में सवाल आ गए। तो इसलिए यह बात मायने रखती है कि आपने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है। इसके लिए प्राय आप सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार शिक्षक की इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्या कहां और कितना कैसे पढ़ना है। बाकी दूरी आपको तय करनी है, मेहनत आपको करना है, अपना बेस्ट और बेहतर आपको देना है, कई अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी है, इसलिए हमारा काम केवल एक मार्गदर्शक का होने वाला है। दूसरी बात, टॉपिक के बाद प्रश्नों की भूमिका और समझ। कई बार टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं फिर ये समझ में नहीं आता इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनेंगे, या टॉपिक तो पढ़ लिया इसका हमारी परीक्षा में क्या भूमिका है, इसकी हम समझ कैसे विकसित करें, याद कैसे करें। कई बार होता है कि हमें याद नहीं हो रहा, तो उसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं, हम लोग जो पढ़ाते हैं तो माइंड में हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, एक तथ्य को दूसरे तथ्य के साथ कैसे जोड़े, कैसे तुलना करें ताकि आपको भूलने न पाए। जैसे लिपियां होती हैं, कई बार मुद्राएं होती हैं, कुछ सन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आती, जो समझ से परे होने लगती है, खासकर जो नए अभ्यर्थी इतिहास को पढ़ना जानना समझना चाहते हैं। इसके लिए भी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे ताकि आप बेहतर अंक अर्जित कर सके। उसमें भी देखा जाए शब्दावली, विचार, व्यक्ति, पुस्तकें, वंश आदि ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कई साथ हमें मिलाकर पढ़ना होगा, तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से पढ़ना होगा, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए और आप इतिहास में रुचि के साथ साथ इतिहास में अच्छे अंक भी अर्जित करें और इतिहास विषय को लेकर आप सीरियस हो जाएं। और इतिहास पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो आप लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िए, क्योंकि आपको प्रत्येक क्लास की जो वीडियो है नोटिफिकेशन है इतिहास की वो आपको कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी के नोट्स, अन्य नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। एनसीईआरटी के सभी नोट्स आपको 6 से लेकर 12 तक के लिए, 6 से 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में यहाँ पर उपलब्ध है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी आप
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन सवाल परीक्षाओं में आते हैं तो हमारे परे होते हैं, उसके लिए आपको समझना होगा और ये समझना होगा ऐसा क्यों और कैसे होता है। परीक्षा में जो सवाल हमें आते हैं वो तो लगते हैं यार ये तो सरल थे, लेकिन जो प्रश्न नहीं आते लगता है यार ये सवाल तो थोड़ा सा कठिन था। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि आपको सारे सवाल सरल लगें और आप उसे अच्छा कर पाएं। कई बार क्या होता है टॉपिक को कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर पाते और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो कई बार लिखने का प्रैक्टिस करेगा क्लास में ही, आप नोट्स बनाते चलिएगा ताकि दोबारा जब उसे देखें तो आपके दिमाग में पूरी कहानी बन जाए। इतिहास को कहानी के माध्यम से अगर लेकर चलेंगे तो शायद आप इतिहास में बेहतर और बड़ा स्कोर कर पाए। इतिहास में रुचि पैदा होगी जब कहानी कंटेंट को आपके अंदाज में लेकर आया जाए, तो शायद इसमें आपकी रुचि भी पैदा होगी और प्रश्नों का अच्छा कलेक्शन भी आप कर पाएंगे। इतिहास विषय के पढ़ने के साथ साथ कई और बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रैक्टिस पर भी फोकस करना है। प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ साथ आप जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके लिए बहुत सारी किताबें आपके बाजार में भी उपलब्ध हैं। तो अब यहाँ तक इतिहास पढ़ने के बाद अब आपको क्या लगता है कि आप इतिहास की सीरीज शुरू कर सकते हैं? क्या आपको इतिहास पढ़नी है? क्या आप हमारे साथ इतिहास में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं ताकि हम इतिहास में आपके साथ एक बेहतर स्कोर की तरफ आगे बढ़ सके? इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबाइएगा, दबाना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को इलानी विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं इलानी विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा, क्योंकि उनका धन्यवाद, उनके माध्यम से हम इस चैनल के माध्यम से अपनी क्लासेज आप तक पहुंचाएंगे, अपनी बातें आप तक पहुंचाएंगे। मेरा व्यक्तिगत इंस्टाग्राम भी है दुर्गेश जायसवाल सर, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो वीडियो में कॉमेंट करके दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो लेक्चर डे बाई डे लेकर आए एशियन हिस्ट्री की और प्राचीन भारत के इतिहास की, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम आपको पाषाण काल से शुरू करें या हम सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करें। एक छोटा सवाल आपके लिए, जाते जाते सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है, इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके दीजिएगा ताकि मुझे लगे आपने यहां तक वीडियो को देखा है, यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो इतिहास विषय को हम लेकर अब आपके साथ शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इतिहास की एक ऐसी गाथा जहाँ से परीक्षाओं में सवाल आए और आपकी रुचि भी बने, इसलिए इस विषय की महत्व बढ़ती जाएगी और हम कोशिश करेंगे इसे इंटरव्यू में सवाल किस तरह से आते हैं, जहाँ इंटरव्यू हो, जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा में नहीं है, उनके परीक्षा में, आपके परीक्षा में है, या रिटर्न एग्जाम होगा अगर लिखित परीक्षा होगी तो किस तरह से तथ्यों को लिखना है, और एमसीक्यू होगी तो किस तरह से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। इन तीनों तरह से हम कोशिश करेंगे, पढ़ते चलेंगे और हर टॉपिक के बाद इस तीन तरह के प्रश्नों की सीरीज भी लेकर चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम पूरे इतिहास पर फोकस करेंगे, तथ्यों को पढ़ लेंगे और आप भी साथ ही साथ प्रीवियस पेपर पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी की मेरी। अगर आपका कोई सवाल हो तो फटाफट पूछ लीजिएगा, मैं बार बार कहूँगा इस वीडियो को अपने सभी मित्रों सभी साथियों को शेयर करिएगा और एनसीईआरटी की नोट्स मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर एनसीईआरटी नहीं मिल रही है तो एससीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू, अगर आपको कहीं ना मिले तो 6 से 12 तक इलानी विद दुर्गेश के ऐप पर है या उसकी पीडीएफ भी आप इलानी विद दुर्गेश के इस ऑफिस के नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और यहां से जान सकते हैं। तो इतिहास में मुझे लगता है यहां तक समझ आपको आ गया है, वैसे पाषाण काल पत्थर काल है और उसमें से प्रश्न कम आते हैं। अच्छा ये भी बात है कि प्रश्न कम आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक को छोड़ दिए। कई बार क्या होते हैं हम कुछ टॉपिक इग्नोर कर देते हैं और वहीं से परीक्षा में सवाल आते हैं, तो इसलिए टॉपिक को सारे पढ़ने हैं, कोई नहीं छोड़ना है, किसी में गहराई तक जाना है, किसी में ऊपर तैर कर निकल जाना है, कहीं बीच में डुबकी लगाना है और कहीं किनारे से हाथ पैर धुल कर चले आना है। तो इस इतिहास की सीरीज में हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि इतिहास का जो संगम है वो अपने आप में विकराल और महान है, लेकिन फिर भी हम इतिहास को किस तरह से तैर कर अपने नैया पार लगा ले उस पर भी हमें फोकस करना है, उसके लिए ही शायद आपको मेरी जरूरत पड़े। और वैसे आप अपना बेस्ट बेहतर दीजिएगा, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, और आपको इतिहास सीरीज पढ़ना है तो अपने साथ साथ पेन प्लेन कॉपी, हो सकता है कई कलर का पेन ले ले ताकि हमारा दिमाग कलरफुल चीजों को जल्दी याद करता है, ऐसा मान्यता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास मानचित्र होना चाहिए, भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, और जिस राज्य के आप निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य का मानचित्र आपके, जिस राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य की मानचित्र आपके पास हो और भारत की मानचित्र आपके पास हो और उसकी प्राकृतिक और
प्राकृतिक विश्व की मानचित्र हो, ताकि जब भी हम पढ़ाएं जिन स्थानों की बात करें उनका डायग्राम भी आप देखते चले, ताकि आपके दिमाग में वो फीड होता चला जाए। खासकर जब हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, जब हम उसके व्यापार केंद्रों की बात करते हैं, तब हमें मानचित्र जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत सारे तथ्य जो है हम मानचित्र के माध्यम से भी पढ़ाने समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए इसमें भूगोल से न जुड़ते हुए भी इसका जुड़ाव आपके लिए काफी हो जाएगा। बाकी आप किताबें अपने पास ले लीजिएगा, किसी भी राइटर किताब हो, पढ़ने पर फोकस करेगा। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पास लूसेंट है क्या पढ़ लो, पहले उसको भी खत्म कर दो, क्योंकि आपके मौलिक इतिहास जानने के लिए, मौलिक समझ विकसित करने के लिए लूसेंट का इतिहास भी आपके लिए काफी कारगर है, महत्वपूर्ण है। या उसके लिए आप एनसीईआरटी 678, एससीईआरटी माने अपराध की जो किताबें हैं वो भी 678 का पढ़ सकते हैं। वैसे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अगर आपके अंतरात्मा का लाइक करना चाहिए तो लाइक करिएगा, अगर आपके अंतरात्मा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है वो भी दबाइएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे इलनी विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं इलनी विद दुर्गेश पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को खूब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। अगर आपने वीडियो को शेयर किया है तो आपका दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए डे बाय डे इतिहास के जिस तरह से पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है, इस पैटर्न पर डेली डेली क्लास लेकर आएंगे, ताकि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं नित प्रतिदिन बढ़ती जाए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू आप सभी का।